नमस्कार, न्यूज पीआर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। पूरे देश भर में बाघ की संख्या वैसे ही बहुत कम है और इधर बेतिया में दो बाघ आपस में इस तरीके से भिड़ गए जिसमें कि एक की मौत हो गई। जी हम आपको बता दें कि बेतिया के बीटीआर के मानपुर जंगल से सटे गन्ने की खेत में 4 साल के बाघ का शव वन विभाग की टीम ने बरामद किया है। और इधर वाल्मीकि बाघ परियोजना के निर्देशक हेमकांत राय ने बताया है कि ये स्पष्ट हो रहा है जिस तरीके से गहरे जख्म के निशान मिले हैं, मृत बाघ की दूसरे बाघ से इलाके को लेकर जंग हुई है। मृत बाघ के बेसरा को भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान बरेली व वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट देहरादून भेजा जा रहा है जिससे मौत के कारण का आखिर पता चल सके। वहीं दूसरे बाघ की खोज के लिए वन कर्मियों की आधा दर्जन टीम को जंगल व उसके आसपास के क्षेत्र में लगाया गया है। अगर दूसरा बाघ जख्मी है और वह देखा जाता है तो उसे भी रेस्क्यू किया जाएगा, उसका भी इलाज किया जाएगा। इसी के साथ जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनका कहना है कि मुंगराहा रेंज के मानपुर जंगल के समीप बहने वाले मानसरोवर नाला से सटी गन्ने के खेत में ग्रामीणों ने मृत बाघ को देखा, जिसके बाद ग्रामीणों ने इसकी सूचना मानपुर थाना अध्यक्ष विकास तिवारी व एसएसपी के 3 लालटेन पोस्ट को दी है। अधिकारियों की सूचना पर रेंजर सुनील कुमार पाठक मौके पर पहुंचे, वहां आम लोगों के जाने पर अभी रोक लगा दी गई है। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि इस पर जो जिला वन पदाधिकारी हैं हेमंत कुमार, उनका क्या कहना है अब जरा सुनिए। दुखद घटना है कि आज हमारे टाइगर रिजर्व से एक बाघ की मृत्यु हुई है। मेल टाइगर है, वो नर बाघ है, और लेकिन जो अभी हम लोगों ने जांच किया है, प्रिलिमिनरी जो जांच है, पाया गया है कि इसका बाघ का जो कारण मरने का है यह इंटरनल फाइटिंग है। बाघ के मरने का मुख्य रूप से 3 कारण हो सकते हैं। एक तो इंटरनल फाइटिंग है, या अगर किसी ने उसको पॉइजनिंग कर दिया हो, या फिर स्नेरिंग कर दिया हो, तार फंसा है उसमें फंस जाता है बाघ। लेकिन अभी जो हम लोगों ने देखा है उसके जो शरीर पर ऊंड है, घाव है, वह उसके आगरी जो पार्ट है, आगे का पार्ट जो उसके दोनों हाथ में है, उसके पाँव में है, उसके चेहरे पे है, उसका एक पाव उसका पूरा फट गया है। ये तो ये साफ दिखला रहा है। और जो उंड है उसका, जो उंड के जो घाव के जो उसमें जो तरीके होते हैं घाव का होने का, वो साफ दिखा रहा है कि नेल अंदर घुसा है। और इस तरह से जो दो भागों का लड़ने का है, ये इसी कारण इसकी मृत्यु हुई है। हालांकि हम लोग इसका पोस्टमार्टम भी करेंगे और इसका विसरा की जाँच के लिए भी हम लोग भेजेंगे, जहाँ भी इसका आईवीआरआई बरेली और देहरादून ये जगह भेजेंगे हम लोग। लेकिन अभी प्रिलिमिनरी हम लोग यह कह सकते हैं कि इसकी इन फाइटिंग के कारण ही ये रोक है। यह मेल टाइगर है, इसका उम्र लगभग 3 से 4 वर्ष के बीच में है। सर इसका कहाँ होगा पोस्टमार्टम? पोस्टमार्टम इसको हम लोग ले जा रहे हैं उठा करके मंगुराहा रेंज के पास। ये मंगुराहा रेंज का एरिया है ये मानपुर, तो हम लोग मंगुराहा रेंज के पास ही ले जा रहे हैं इसको, क्योंकि इसका पोस्टमार्टम कर करके इसको हम लोग पूरे बॉडी पार्ट्स को हम लोग जला देते हैं, कहीं कोई पार्ट इसमें अच्छा, इसको कहां मने इसको मने डेड किया जाएगा, डिस्ट्रॉय किया जाएगा पूरा वही मंगुराहा रेंज के पास ही हम लोग इसको अच्छा। यहां सेफली जगह हम लोग कर सके, क्योंकि इसका प्रभाव और किसी जानवर या किसी लोगों पर ना पड़े, तो हम सेफ देखते हुए एक जगह ऐसा लेकर के वहीं पर इसका पोस्टमार्टम कर करके और सारे बॉडी पार्ट को हम लोग सारे बॉडी पार्ट इंटैक्ट हैं, कैनाइन भी पूरे हैं, सारे क्लॉज पूरे हैं, कहीं कोई ऐसा इसमें नहीं पाया गया साइन कि कोई बॉडी पार्ट किसी ने कुछ छेड़छाड़ हुआ है। इसलिए वो सारी संभावनाओं को देखते हुए हम लोग कह सकते हैं कि इसकी इनफाइटिंग ही डेथ हो गया। सर इसके देहरादून किस लिए भेजा जाएगा? इसका विसरा जो है ना, कि अगर कोई देखिए हम तो कह रहे हैं अभी तो कि ये एक सिम्टम देख कर हम बता रहे हैं कि इसके जो घाव इसके हाथों में है, इसके चेहरे पर घाव है, यहाँ पूरा खून अभी भी खून निकल रहा है उससे, तो लग रहा है कि ये पिछले रात का फाइटिंग ही है। और इंटरनल भी जानवर का अंदर होता है, शॉक हो गया, चिल्तरस होता है, वो तो वो ये मर गया ये तो। लेकिन फिर भी इसका पोस्टमार्टम जो हम करेंगे तो उसके अंदर के बॉडी पार्ट्स को उसका देखेंगे, स्टमक का, ये सब सारा हम लोग भेजते हैं जांच के लिए कि कहीं कोई और कोई कारण नहीं है या कुछ देखने के लिए, सारे चीज़ को इसमें हम लोग करते हैं रूल आउट। तो फाइनल रिपोर्ट हम लोग तभी बताएंगे, लेकिन अभी जब साफ लग रहा है, जो देखने से लग रहा है कि इन फाइटिंग ही डेथ हुई है। सर दूसरा बाघ जो मारा है वो बाघ भी तो हाँ, ये आपका बहुत अच्छा है। अब हम लोग उसकी भी करेंगे, अभी हम लोग यहाँ पर कैमरा टैप लगा रहे हैं, हमारे गश्ती दल जो लोग भी हैं यहाँ पे वो सारा करेंगे, क्योंकि हमको संभावना है जो दूसरा टाइगर है कहीं वो भी इंजर्ड ना हो, ये पूरी संभावना है। तो इसके लिए हम लोग कैमरा ट्रैप लगाएंगे और इधर हमारी गश्ती रहेगी, हम लोगों को भी थोड़ा सा ये करेंगे, जागरूक करेंगे, थोड़ा सा अनाउंस करवाएंगे कि लोग थोड़ा सतर्क रहें लोग, क्योंकि वो बाघ अगर इंजर्ड होगा
तो वो भी सिर्फ आकर के बाहर कुछ बकरी चाहे कुछ को हमला कर सकता है वो, तो हम लोग वो रिक्वेस्ट करेंगे सभी लोग यहाँ आसपास के गाँव में भी, और इसका हम लोग अभी अनाउंस भी करवा देंगे कि भाई अभी लोग सतर्क रहें, अकेले बाहर ना निकले, और यहाँ हम लोग कैमरा ट्रैप भी लगवा रहे हैं इसका। सर पिछले सप्ताह में कुछ बकरियों को यहाँ पे चकटन वगैरह में चार पांच बकरी बराबर इधर इस सप्ताह मारने की घटना हुई है। अब ये मैं बता रहा हूँ ना कि अब ये उसको लिंक इससे कर पाएंगे नहीं पाएंगे ये हम पोस्टमार्टम के बाद बता सकते हैं। अगर पोस्टमार्टम करेंगे हम तो पता चलेगा कि हाँ उसका क्या अगर उसका कंसर्न है कि कुछ है कि नहीं, और कोई इंजरी है कि नहीं था क्या था। तो आपने सुना कि जो जिला वन पदाधिकारी हैं हेमंत कुमार का कहना है कि जो मृत बाघ हैं उनके सिर पर, आंख पर और दोनों पैरों पर दूसरे बाघ के नाखून के निशान हैं, जख्म जो हैं उसके निशान दिखाए गए हैं, और साथ ही साथ लोगों से सचेत रहने के लिए, सतर्क रहने के लिए कहा गया है, और तमाम चीज़ों के बारे में उन्होंने जानकारी दी है कि किस तरीके से बाघ को अभी जो है वो भेजा गया है। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि सवाल ये खड़ा उठता है कि वन विभाग में फॉरेस्ट जो गार्ड होते हैं उनकी इतनी बहाली होती है, तो जब इन ये बाघ एक दूसरे से भिड़ंत इन दोनों की हुई थी, बाघों की बाघ किससे भिड़ंत हुई थी, तो आखिर इतने जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में फॉरेस्ट गार्डों की बहाली होती है वो सब आखिर कहाँ जाते हैं। इधर जिस तरीके से एक बाघ की दूसरे बाघ से भिड़ंत हो गई थी, तो ये सवाल खड़ा उठता है कि वन विभाग में इतने फॉरेस्ट गार्ड की बहाली होती है तो ये सब इस वक्त कहाँ थे, ये लोग जो है इस चीज़ के लिए अलर्ट क्यों नहीं रहे थे, आखिर ये लोग बाघ जो है वो कहाँ से आए थे, और जिस तरीके से ये 4 साल के बाघ की मृत्यु हो गई है, आखिर दूसरा बाघ कहाँ है जिसे इसकी भिड़ंत हुई है, और अगर वो है तो फिर उसका अभी खोज जो है वो क्यों नहीं हो पाया है, खोजा क्यों नहीं जा चुका है। तो फिलहाल इस वीडियो में आज बस इतना ही, बाकी की खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ पीआर। अगर आपने हमारे चैनल न्यूज़ पीआर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जल्दी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।